दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि वह क्यों चुनावी सभाओं में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या चुनाव आयोग महज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा आप कह लीजिए सिस्टम है जिसके तहत चुनाव तो कराए जाते हैं, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, या उसकी बात की अहमियत नहीं है कि वो अपनी बातों का पालन करा सके। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चुनाव आयोग के पास माना कि जो उसके अधिकार हैं लिमिटेड है, वो सीमित है। लेकिन क्या चुनाव आयोग बार बार इसे साबित करता रहेगा कि वह सचमुच में एक ऐसा सिस्टम है जिसके दांत नहीं है, टूथलेस सिस्टम है, एक ऐसा बाघ जिसके दांत ना हो, जो सिर्फ दहाड़ता है पर काट नहीं सकता। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी, चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि वह किसी दल के स्टार प्रचारक या किसी दल ने उसके द्वारा जारी कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का अगर उल्लंघन किया तो उसकी रैली पर प्रतिबंध लगाने से चुनाव आयोग जो है वो संकोच नहीं करेगा। उस पर नियमों के उल्लंघन के कारण उस पर जो है पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? पूरे देश में एक चुनावी सरगर्मी है, चुनाव तो है, 5 राज्यों में हुए हैं और पश्चिम बंगाल में तो एक घमासान है, लेकिन उसकी जो सरगर्मी है वो पूरे देश में महसूस करती है भारत की जनता, चुनाव चाहे किसी राज्य में हो। अब पिछली बार देखिए, पिछले साल जब कोरोना के कारण लॉकडाउन और उसके बाद तमाम स्थितियां थी, तो बिहार में चुनाव हुए थे, बिहार विधानसभा चुनाव, और तब भी जो माहौल था कुछ ऐसा था, रैलियां हो रही थी, लोग अलग अलग चुनावी सभाएं कर रहे थे, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो है वो सब कुछ सिफर था, शून्य था, जीरो था। तो लेकिन बिहार को उसके कारण बहुत ज्यादा भुगतना तो नहीं पड़ा था, ये मैं कहूंगी, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो हो रहा है उसका असर राज्य की जनता पर पड़ेगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। अगर ना पड़े तो अच्छा है, बिहार की तरह वहां अभी अगर स्थितियां ठीक रहे, ठीक तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर ठीक रहे जैसा कि बिहार में रहा तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर स्थिति बेकाबू हो गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या हम ये मान लें कि चुनाव आयोग जो धमकी बार बार देता है वो बेअसर है, उस धमकी का कोई असर नहीं? शुक्रवार को चुनाव आयोग ने धमकी जारी की और कहा कि पश्चिम बंगाल में जो बाकी के जैसे 4 चरण के चुनाव हो चुके, 8 चरणों में, और 4 चरण के जो चुनाव होने हैं उसमें चुनाव में सुरक्षित चुनाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन जो है वो सख्ती से कराया जाए, कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसका पालन सख्ती से हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। आप देख लीजिए, जो भी पार्टियां वहां रैली कर रही हैं, जो भी दल वहां अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, सिलीगुड़ी में, कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई शनिवार को, लोग लगातार जब रैली लाइव अलग अलग सिस्टम्स पे, फोन पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, स्क्रीन पे, कहीं भी आप देख रहे थे, लगातार लोग लिख रहे थे कि मास्क क्यों नहीं है, मास्क क्यों नहीं है, मास्क क्यों नहीं है, क्या कोरोना इससे नहीं होगा। कई मीम्स भी चल रहे हैं, कई तरह के मजाक भी, जोक्स भी मार्केट में चल रहे हैं लोगों के बीच में, जो लगातार व्हाट्सएप पे घूमते रहते हैं, मेरे पास भी आए हैं कि कोरोना है वो हर जगह हो सकता है, सिर्फ चुनावी सभाओं में, चुनावी रैलियों में नहीं हो सकता। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से देश अभी एक संकट से गुजर रहा है, या पूरी दुनिया कह लीजिए, उस आप बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, बार बार गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात करते हैं, लेकिन जब खुद रैलियां करते हैं और खुद चुनावी सभाएं करते हैं तो वहां पे तो नदारद होता है, मास्क पहने शायद ही कोई दिखता है, भाषण देने वाले लोग मंच पर जो होते हैं वो भी बिना मास्क के होते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? मुझे तो लगता है जैसे अगर आप रैली कर रहे हैं तो रैली करते समय भी आप बार बार अनुरोध कर सकते हैं कि मास्क पहन के आए, आप बार बार उनको याद दिला सकते हैं अपने अभिभाषण को रोककर, या आप खुद भी मास्क पहनकर
एक संदेश दे सकते हैं जो कि पूरी तरह से नदारद होता है। पूरी रैली में खचाखच भरे होते हैं, ये जो ग्राउंड से या जहां भी रैलियां होती हैं, हर मतलब लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती, लेकिन मास्क नहीं होता। तो एक जो हम जिस संकट से देश गुजर रहा है उसके लिए बार बार चुनाव आयोग जो अब कह रहा है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है और इतनी संख्या में ही, लिमिटेड संख्या में ही लोग मिल सकते हैं या रैली कर सकते हैं या प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि चुनाव आयोग एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक टूथलेस स्ट्रक्चर है जो सिर्फ बोलता रहता है लेकिन उसकी बात का असर किसी दल पे नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ऐसा नजारा सिर्फ नरेंद्र मोदी की रैली में ही दिखता है, ऐसा टीएमसी या बाकी दल, कांग्रेस तो खैर बहुत रैलियां कर ही नहीं रही या दिखी नहीं रही पश्चिम बंगाल में, पांचवें चरण के बाद शायद दिखना शुरू हो, लेकिन जो माहौल वहां दिख रहा है वो खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से 1.5 लाख से अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स रोज मिल रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, वैक्सीनेशन की इतनी किल्लत हो रही है, कई सेंटर्स बंद हो गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? पिछले साल जैसा कि एक पूरा वर्ष निकल गया तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से मास्क पहनने के लिए लोगों को जोर दे रहे थे, बार बार कह रहे थे, अपनी खुद की रैली के लिए वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्या ये माना जाए कि मोदी की रैली पर रोक लगाने की हिम्मत चुनाव आयोग को भी नहीं है? मोदी ने खुद भी मास्क नहीं पहना और अधिकांश जो वहां लोग थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहना, लोग बिल्कुल खचाखच भरे हुए थे और दीदी ओ दीदी का जो एक माहौल बना हुआ था, तो इसका लोग वहां जो इंजॉय कर रहे थे नरेंद्र मोदी के इस बात का, दीदी ओ दीदी ये जो डायलॉग बहुत पॉपुलर हो गया, पर चुनाव आयोग कहां था? क्यों नहीं इस पर प्रतिबंध लगाई गई? क्या हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत चुनाव आयोग को भी नहीं है? क्या जब मोदी की रैली की बात आती है तो चुनाव आयोग के निर्देश जो है वो गड्ढे में चले जाते हैं? बंगाल की स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां कोरोना संक्रमण के केस 6 लाख पार कर चुके हैं, जिनमें से अभी फिलहाल जो है 18,604 केसेस जो है एक्टिव केसेस हैं वहां, और पूरे देश में अगर राज्यों की बात की जाए तो 8वें नंबर पर है, कोरोना पीड़ित राज्य में 8वें नंबर पर आता है। लेकिन 8वां नंबर यानी कि एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या है, तो आखिर चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? और डर भी नहीं, अगर चुनाव आयोग कुछ निर्देश देता है या कुछ पाबंदियां लगाने की बात करता है तो सुनेगा उसकी बात? अगर इसका उदाहरण खुद नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी नहीं दे सकते तो क्या बाकी के दल ऐसा करेंगे या बाकी के लोग सुनना चाहेंगे? क्यों नहीं बार बार लोगों से अनुरोध किया जा सकता है कि सिर्फ मास्क पहनने वाले लोग ही उसमें अलाउड होंगे? माना कि वो सिस्टम नहीं है कि इतने लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो आप सबका थर्मल स्कैनिंग कीजिए या सबको चेक कीजिए, लेकिन जहां चाह वहां रहा, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही खुद ये संदेश देना चाहिए कि चूंकि वो एक प्रधानमंत्री भी हैं देश के, वो सिर्फ बंगाल में भाजपा का चेहरा नहीं, मोदी वर्सेस ममता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी मास्क पहने और जनता से भी अनुरोध करें कि उनकी रैली में लोग अलाउड नहीं होंगे, लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा ग्राउंड में अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया हो या तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।